बहुत सारे लोग पूछते हैं जी, बल्कि पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मोटी हो गई हैं, वैसे वो खाने पे बहुत खारी होती हैं, लेकिन यकीनन वो इंसुलिन पे जब आप होते हैं तो ये दो किस्म की आपकी इंसुलिन जी, नॉन एनालॉग इंसुलिन और एनालॉग इंसुलिन। सो जितनी भी नॉन एनालॉग इंसुलिन हैं जी, वो तो आपको मोटा करती हैं, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो आपकी वो जब मेटाबॉलिज्म के साथ ऑल्टर करता है तो यकीनन आपका मोटापा जो है वो होता है, लेकिन इसका ये कतन ये मतलब नहीं है कि आपने इंसुलिन नहीं लेनी। इसका भी एक फार्मूला है कि मेटफॉर्मिन जो सेंसिटाइज़र है जी, ग्लूकोफर्ज का आपने नाम सुना होगा, मैं हम वैसे ब्रांड्स का तस्करा करते नहीं ओपनली, सो वो आपको मोटा होने से बचाता है जी, सेंसिटाइज करता है और आपके इंसुलिन को वो बॉडी में रिटेन करवाता है। जहाँ तक ताल्लुक है जी, अब आप कह सकते हैं वेट न्यूट्रल इंसुलिन भी आ चुकी हैं जी, डाटामेर है जो कि राइजोडेग है, डीग्लोडेक जिसमें इंसुलिन है, इससे ये वेट न्यूट्रल है, इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली आपकी जब तशखीस होती है और जो आपके मॉलेज हैं, जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, वो जब आपको देखते हैं तो यकीनन ये नहीं चाहेंगे अगर मज़ीद मोटे हों और आपका हिप वेस्ट रेशो बढ़े, आपका चेस्ट रिस्ट रेशो बढ़े और फिर मज़ीद कोलेस्ट्रॉल के मसाइल आएँ, यूरिक एसिड के मसाइल आएँ, तो इंसुलिन जो है वो उनको प्रिस्क्राइब ही इस हवाले से किया जाता है कि कितनी आपकी ज़रूरत है। लेकिन यकीनन जो पॉइंट, बल्कि आप ये समझ लें कि 0.6 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो है वो अप टिल 0.1 केजी ऑफ वेट आपका गेन करा सकती हैं, अगर वो नॉन वेट न्यूट्रल है। लेकिन अब मौजूद है पाकिस्तान में भी वेट न्यूट्रल इंसुलिन।